हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स बाय डीके भुरिया की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि किसी पराविद्युत पदार्थ को रख दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव है पड़ने वाला, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सभी स्टूडेंट्स इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जो भी वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट किया जा रहा है उसको आप पूरा वॉच करें, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं और उसको रिवाइज करें। यदि कोई भी आपको कंफ्यूज लग रहा है, कहीं भी आपकी क्यूरी है, तो आप इनबॉक्स कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं उसको आपका सोल्यूशन दे सकूं। ओके, तो सभी रेडी हो जाइए। आज के हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव, या दूसरा इसमें क्या होगा, विद्युत प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जिसको हम शुरुआत के लेसन में पढ़ा था, एंड डाइइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर के मध्य क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को भी हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। समांतर प्लेट है संधारित्र, क्योंकि इसका यूज हम किसमें करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र में। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, ये हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र, ये हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी जिसकी ये प्लेट ए है और ये प्लेट क्या है, बी है। इसको हमने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यों आवेश दे रहा, तो हम जानते हैं इसकी दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा उतना ही माइनस क्यों आवेश आ जाता है, दूसरी प्लेट पर प्रेरण द्वारा उतना ही माइनस क्यों आवेश आ गया, जितना इधर प्लस क्यों उतना ही उधर क्या है, माइनस क्यों है। इसके कारण से यहां पर प्लस चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण से संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वो हमें पता है। और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन सदैव किस तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो कहने का मतलब हुआ इसकी जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो ही आएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम क्या कह रहे हैं, ई नोट, ई नोट कब है, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुछ भी नहीं रखा हुआ है, तो उस पोजीशन में चूंकि संधारित्र की दोनों प्लेटें समान परिमाण था विपरीत आवेश से आवेशित हैं, तो इनके मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिसको हम ई नोट से व्यक्त करेंगे, जिसकी दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसकी प्लेटों के मध्य एक पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए, इसकी प्लेटों के मध्य एक पराविद्युत पदार्थ रखते हैं, ये इसकी प्लेटों के मध्य इस प्रकार का एक पराविद्युत पदार्थ रख दिया, ठीक है, इसकी प्लेटों के मध्य एक ये पराविद्युत पदार्थ रख दिया है। अब ध्यान दीजिए, पराविद्युत पदार्थ की विशेषता क्या होती है, हमने पढ़ा था पराविद्युत पदार्थ की विशेषता क्या होती है कि जैसे ही उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अणुओं का ध्रुवीकरण हो जाता है, उसके अणुओं का ध्रुवीकरण हो जाता है, क्योंकि पराविद्युत पदार्थ हमने दो प्रकार के पढ़े थे, एक तो ध्रुवीय दूसरा अध्रुवीय, चाहे ध्रुवीय हो अध्रुवीय हो, दोनों को यदि हम क्या करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अणुओं का ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण का मतलब इनके जो धनायन और ऋणायन की जो केंद्र है, धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र है, इसके अंदर तो ऐसे होते हैं, इसके अंदर तो इस प्रकार से होते हैं और इसके अंदर इस प्रकार संपाति, इसमें संपाति नहीं होते लेकिन इसमें संपाति होती है, लेकिन ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो अनियमित रूप से व्यवस्थित है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, इसका पहले से है, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले ये अगर ध्रुवीय तो ऐसे था एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में
और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएंगी, यानी इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर बल लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज पर इधर बल लगेगा, ठीक है। धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, तो क्या हो जाएंगे इस प्रकार से विस्थापित, नेगेटिव इधर आ जाएगा पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा पॉजिटिव इधर आ जाएगा। इस प्रकार से इसके अणुओं का ध्रुवीकरण हो गया कि धनायन और ऋणायन विस्थापित हो चुके हैं। सेम कंडीशन यहाँ आएगी, सेम कंडीशन यहाँ आएगी, तो क्या होगा ये देखिए, इधर नेगेटिव आएगा इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा इधर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा इधर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ध्यान दीजिए, इधर नेगेटिव आएगा इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इस प्रकार से इसके अणुओं का ध्रुवीकरण हो चुका है। इसको आप समझिए कि जैसे ही किसी पराविद्युत पदार्थ को एक्सटर्नल मैग्नेटिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके धनायन और ऋणायन इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। धनायन और ऋणायन इस प्रकार से विस्थापित हो जाएंगे, यानी इनका अपना द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यहां इनका अपना द्विध्रुव आघूर्ण होगा इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से इस अणुओं का क्या हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, धनायन और ऋणायन इस प्रकार से इसके अंदर क्या हो गए, विस्थापित हो चुके हैं। अब ध्यान देना, थोड़ा सा मैं आपको और समझाने का प्रयास करूं कि इधर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पास वाले ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में मिलकर न्यूट्रल बन गए, आपस में मिलकर क्या बन गए, न्यूट्रल बन गए। और नेक्स्ट केस में क्या बनता है उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। न्यूट्रल बन गए हैं और यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां से ये फर्स्ट स्टेप हो गई, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव था, संधारित्र का ये नेगेटिव है, ठीक है। इसके मध्य ये पराविद्युत पदार्थ रखा हुआ है, पराविद्युत पदार्थ रखा है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस वाली तरफ क्या बचेगा, नेगेटिव आयन के लिए इधर क्या बचेगी, ये नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, यहां नेगेटिव आ गया यहां क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ है, लेकिन जैसे ही पराविद्युत पदार्थ रखा, इसकी जो सरफेस है पराविद्युत पदार्थ है इसकी सरफेस पर इधर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये है ईपी। ईपी का मतलब हुआ पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है, अणुओं का ध्रुवीकरण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसको हम कहेंगे पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इनपुट। अब आप देख सकते हैं कि पराविद्युत पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, पराविद्युत पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, जिसकी दिशा जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य हमने कुछ दे रखा ई नोट, उसके क्या है विपरीत हो गया, उसके क्या हो गया विपरीत हो गया। तो ये वाला ई नोट है इसकी डायरेक्शन इधर है, ईपी की डायरेक्शन इधर है, तो इसके मध्य जो प्रभावी विद्युत क्षेत्र होगा वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और उसका मान किसके बराबर आएगा, इन दोनों के अंतर के बराबर आने वाला है। वो कितना आने वाला है वो हम इसको डिस्कस
करने वाले हैं। ओके, समझ में आया? तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावर्तित माध्यम की उपस्थिति का क्या प्रभाव है। इसमें लिखेंगे कि जब निम्न चित्र में एक संधारित्र आप लिख के जाइए, निम्न चित्र में एक संधारित्र दर्शाया गया है जिसकी चालक प्लेट, जिसकी चालक प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश तथा चालक प्लेट बी पर माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। इस कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य, इस कारण संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र E0 उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा चालक प्लेट ए से चालक प्लेट बी की तरफ है, बी की तरफ। ओके, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो उसके अणुओं का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, उसके अणुओं का ध्रुवीकरण हो जाता है, अर्थात पैरा विद्युत पदार्थ के धनायन तथा ऋणायन के अंदर विस्थापित हो जाते हैं, पैराविद्युत अर्थात पैराविद्युत पदार्थ के धनायन तथा ऋणायन के केंद्र क्या हो गए? विस्थापित हो गए, धनायन तथा ऋणायन के केंद्र विस्थापित हो जाते हैं। इस कारण संधारित्र की प्लस क्यों आवेश वाली, पैराविद्युत पदार्थ, इस कारण संधारित्र की प्लस क्यों आवेश वाली पैराविद्युत पदार्थ
विद्युत पदार्थ की सतह पर माइनस पर ऋणावेश तथा माइनस क्यू आवेश वाली इस कारण संधारित्र के प्लस क्यू आवेश वाली पराविद्युत पदार्थ की सतह पर ऋणावेश तथा माइनस क्यू आवेश की तरफ माइनस क्यू आवेश की तरफ वाली माइनस क्यू आवेश की सतह वाली परत पर। तो इतना आप लिखिए, इसके पश्चात हम आपको आपको आगे लिखवाते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा कि जैसे ही इसके अंदर पराविद्युत पदार्थ रखा तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो उसके अणुओं का ध्रुवीकरण हो जाता है। अणुओं का ध्रुवीकरण हुआ अर्थात पराविद्युत पदार्थ के धनायन तथा ऋणायन के केंद्र क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, अलग अलग हो गए। इस कारण संधारित्र के प्लस क्यों आवेश वाली पराविद्युत पदार्थ की सतह पर पराविद्युत पदार्थ की सतह पर ऋण आवेश तथा माइनस क्यू आवेश की तरफ वाली सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाता है या धनावेश आ जाता है। ओके, तो इतना हम लिखते हैं, ऊपर आपने लिख लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर ऋणावेश तथा ऋणावेश की सतह वाली पराविद्युत पदार्थ की ऋणावेश की तरफ वाली पराविद्युत पदार्थ की सतह पर धनावेश आ जाते हैं, उपस्थित हो जाता है, धनावेश उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसमें लिखा है। इस कारण पराविद्युत पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र ईपी उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा जिसकी दिशा संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई नोड से विपरीत, ई नोड से विपरीत है, ई नोड से विपरीत होती है। ई नोड से क्या होगी, विपरीत होती है। अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रभावी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रभावी विद्युत क्षेत्र, संधारित्र प्लेटों के मध्य प्रभावी विद्युत क्षेत्र, इसको हम क्या लिखेंगे, ई। प्रभावी विद्युत क्षेत्र को हम क्या लिख रहे हैं, ई। और ई बराबर क्या लिख रहा हूं, ई नोट माइनस ई पी। इसे क्वेश्चन नंबर 1,
समझ में आता ना जी, ओनली मैग्नीट्यूड लिखा हूं, क्योंकि ई नॉट इधर है और ई पी इधर है। यहां लिख देते हैं, क्योंकि ई नॉट तथा ई पी विपरीत दिशा में है, ठीक है। ये चीज आ गई। अब यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई है कि हमने क्या किया है। एक बार फिर आपको बता देता हूं मैंने क्या किया है कि सबसे पहले हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र कर लिया जिसकी प्लेट ए पर पॉजिटिव आवेश है और प्लेट बी पर नेगेटिव आवेश है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश के कारण से इसकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। इस विद्युत क्षेत्र को हम ई नॉट से व्यक्त करते हैं और इसकी दिशा किस तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ओके, क्लियर हुआ। अब हमने क्या किया है कि इसकी प्लेटों के मध्य हमने एक पेराविद्युत पदार्थ रख दिया। ये हमने क्या रखा है कि पेराविद्युत पदार्थ, और हम जानते हैं कि जब पेराविद्युत पदार्थ को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसके अणुओं का ध्रुवीकरण होना शुरू हो जाता है, अर्थात उसके धनायन और ऋणायन पर बल लगेगा। धनायन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में बल और ऋणायन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में बल, तो दोनों से विस्थापित, दोनों के बाद में विस्थापन आ जाएगा, दोनों के केंद्र हल्के से अलग हो जाएंगे, ठीक है, अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों के धनायन और ऋणायन के केंद्र अलग होने से ये स्थिति क्रिएट होगी। अब ध्यान दीजिए इस अवस्था से क्या होगा कि ये जो बंडल, देखो ये अगर मैं इसको यूं करूं, ये जो बन रहा है ये न्यूट्रल हो जाएंगे। ये देखो ये नेगेटिव और ये, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पास पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो बचेगा क्या कि जो संधारित्र है उसकी ए प्लेट जो धनावेश थी उसकी और जो पेराविद्युत पदार्थ उसकी सतह पर नेगेटिव आवेश आ जाएगा, और नेगेटिव वाली जो संधारित्र है उस वाली सतह पर पेराविद्युत पदार्थ पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है। अब अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जिसको हम ईपी कह रहे हैं, और ईपी की दिशा ई नॉट से क्या है, विपरीत है। तो इस अवस्था में जो प्रभावी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, प्रभावी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लिखेंगे ई नॉट माइनस ए ईपी, ई नॉट माइनस ए ईपी, ठीक है, जहां लिख देते हैं, ठीक है, ई नॉट बराबर ईपी, या इसको आगे देखिए, या E बराबर देखिए E नोट माइनस ई पी, मैं बराबर लिखता हूं सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन, E नोट बराबर माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट, जहां जहां सिग्मा पी क्या है, पेरा विद्युत पदार्थ की पेराविद्युत पदार्थ की सतह पर उत्पन्न, पेराविद्युत पदार्थ की सतह पर उत्पन्न प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, पेराविद्युत पदार्थ की सतह पर उत्पन्न, ये इसको हम ऊपर लिखें, पेराविद्युत पदार्थ की सतह पर उत्पन्न प्रेरित है पृष्ठ आवेश घनत्व, या थोड़ा सा यहां लिख देता हूं मैं, क्या है, सतह पर उत्पन्न प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, हमें पता है कि जो जो प्लेट है यहाँ पर, इससे पहले हम निकाल चुके हैं कि इस प्रकार की जो प्लेट है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख सकते हैं, जो कि सिग्मा पी बराबर है ए पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या इसको थोड़ा सा हो गया,
सिग्मा पी बराबर है, सिग्मा पी बराबर आता है ई एफ ऑन एप्सिलॉन, सिग्मा पी बराबर आएगा श्री ई पी बराबर, ई पी बराबर क्या आएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां जहां सिग्मा पी बराबर क्या है, पेरा विद्युत पदार्थ की सतह पर, पेरा विद्युत पदार्थ की सतह पर उत्पन्न प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है, जहां सिग्मा पी पदार्थ की सतह पर उत्पन्न प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी यहां पर इसकी सतह पर जो आएगा वो आएगा सिग्मा पी, ये सिग्मा पी है, यहां पर और यहां पर दोनों पर क्या आएगा, एक समान आएगा, ओके इतना हो गया। अब आगे इसको हम लिखते हैं, आगे इसको हम सॉल्व करते, देखिए क्या होने वाला अपना, E बराबर आएगा E नोट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया, ठीक है। अब यहां से इसको हम करने का प्रयास करते हैं, देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, E बराबर E नोट माइनस सिग्मा पी, अब हम क्या करते हैं, E से डिवाइड कर दें, किससे कर दें, E का भाग लगाने पर दोनों तरफ, E का दोनों तरफ भाग देने, E का दोनों तरफ भाग दें तो क्या आएगा, ई अपॉन ई, ई अपॉन ई बराबर क्या आएगा, ई नोट अपॉन ई माइनस सिग्मा पी अपॉन ई एप्सिलॉन नोट, ठीक। यहां देखिए यहां क्या आएगा, यह आपका बन जाएगा वन, यह आपका बन जाएगा वन, ये होगा ई नोट अपॉन ई माइनस सिग्मा पी अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन नंबर मैं टू कर देता हूं एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, लिख लिया होगा आपने, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आने वाला जो काफी महत्वपूर्ण तो करेगा। आप देखिए ध्रुवण सदिश की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, याद हो तो आप, परंतु ध्रुवण सदिश परिभाषा से, देखिए ध्रुवण सदिश की परिभाषा हमने क्या पढ़ी, ध्रुवण सदिश क्या होता है, ध्रुवण सदिश क्या है कि ध्रुवण सदिश से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तो प्रोपोर्शनल होता है, यानी हमारे पास क्या आया था, पी इक्वल्स टू, पी इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास, एक्स इंटू ई, ये पढ़ा हमने ध्रुवण, पी बराबर एक्स नॉट इंटू ई, आगे इसको लिखे, ठीक है, इसको समीकरण नंबर, अब ये जो है पोलराइजेशन वेक्टर, ये पोलराइजेशन वेक्टर, ये पोलराइजेशन आपका वेक्टर है, परंतु पोलराइजेशन वेक्टर की है कि परिभाषा क्या है, पेरा विद्युत पदार्थ की परिभाषा क्या है, जो पेरा विद्युत पदार्थ है उसके एकांक आयतन में कितना ध्रुव हुआ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है उसके एकांक आयतन में, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, या इसको हम लिखे, या देखिए P बराबर, P की होगी कि P बराबर क्या आएगा, P, P क्या है, द्विध्रुव है आघूर्ण उसका वॉल्यूम, द्विध्रुव आघूर्ण अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू एक्स नॉट अपॉन E, या देखिए इसको हम और देखना चाहें, ठीक है, P और यहां से हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, इसको लिखते क्यों, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है क्यों इंटू डी, क्यों इंटू डी, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्यों इंटू डी, वॉल्यूम बराबर क्या आएगा, एरिया इंटू डी, वॉल्यूम बराबर क्या आएगा, एरिया इंटू डी, अब देखिए समझ में आ रहा है, द्विध्रुव है आघूर्ण अपॉन वॉल्यूम, और आघूर्ण बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू डिस्टेंस, इससे कट गया, तो देखिए क्या आएगा, सिग्मा अपॉन ए क्या आ गया, क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए इक्वल्स टू
ये उसको यहां लिखता हूं, ठीक है, अपॉन इक्वल्स टू काई इनटू ई, क्यू अपॉन ए क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, ये चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज अपॉन एरिया किसका, चार्ज अपॉन एरिया किसका आएगा, जो पराविद्युत पदार्थ है उसकी प्लेटों पर जो आया, उसकी इस पृष्ठ पर जो आया वो, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा पी, ये क्या है, सिग्मा पी, तो सिग्मा पी बराबर क्या आएगा, काई ई इंटू ई, काई ई इंटू ई, दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री, थ्री आ गया फोर। अब ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज, हमने क्या निकाला कि यहाँ पर जो सिग्मा पी आया था, सिग्मा पी क्या हमारा था कि जो पराविद्युत पदार्थ है उसकी इस प्लेट, इस सरफेस और इस सरफेस पर जो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व वो है, और प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व हम निकालेंगे तो हम जानते हैं कि ध्रुवण सदिश क्या होता है, पी बराबर काई इंटू ई होता है, पी पोलराइजेशन वेक्टर, और पोलराइजेशन वेक्टर की परिभाषा क्या है कि जो पराविद्युत पदार्थ उसके एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण कितना ही होगा, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लिखते हैं आवेश इंटू डिस्टेंस, एंड वॉल्यूम बराबर आता है एरिया इंटू डिस्टेंस, डी से डी कट गया तो क्यू अपॉन ए आ गया, क्यू अपॉन ए क्या है, चार्ज अपॉन एरिया, और चार्ज अपॉन एरिया क्या होगी, चार्ज डेंसिटी, कौन सी होगी, प्रेरित होगी, कौन सी होगी, ये प्रेरित होगी। अब ये मान हम समीकरण दो में रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, समीकरण दो व चार से, समीकरण दो व चार से, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, समीकरण दो व चार से हम लिखेंगे, ओके इसको नोट कर लो, फिर हम आगे इसको लिखता हूं, वन बराबर ई नोट अपॉन ई, ई नोट अपॉन ई माइनस सिग्मा पी, सिग्मा पी की जगह हमारे पास आ गया काई ई इंटू ई अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई से ई कट गया, ई से ई कट गया। अब देखते इसको लिखो आगे, इसको हम सोल्व करते हैं, बेहतरीन रिजल्ट हमारे पास आने वाला है उसको हम देखते हैं, लिखा इसको हम आगे सोल्व करते हैं और देखते हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। मैं इस एक्सप्रेशन को यहां लिखता हूं, क्या था मेरे पास, यहां वन बराबर आ रहा है ई नोट अपॉन ई माइनस ए काई ई इंटू ई अपॉन ई और एप्सिलॉन नोट, ई और एप्सिलॉन। अब देखिए ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, वन बराबर क्या है ई नोट अपॉन ई, ई नोट अपॉन ई माइनस काई ई माइनस ए काई ई, ई कट गया काई अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसलिए क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया। अब यहां से देखिए ई नॉट ई पराविद्युतांक की परिभाषा भी कह रही है, परंतु पराविद्युतांक की परिभाषा से, पराविद्युतांक की परिभाषा में क्या कह रही है, परंतु पराविद्युतांक की परिभाषा क्या कह रही है, देखिए एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है ई नोट अपॉन ई, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है ई नोट, ये पराविद्युतांक की परिभाषा है, तो लिख दीजिए समीकरण फाइव सिक्स, एप्सिलॉन आर की परिभाषा हमें याद रहनी चाहिए, एप्सिलॉन आर बराबर एफ नोट अपॉन एफ होता है, इसी प्रकार ई नोट अपॉन ई होता है, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे तो क्या आएगा, वन इक्वल्स टू इसको लिख देंगे एप्सिलॉन आर, या आपके पास एप्सिलॉन आर आ गया माइनस ए काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। या यहां से रिलेशन और निकालें, देखिए क्या आएगा, या एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू
एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू, अगर इधर लाएं यहाँ एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू, देखिए क्या आएगा, वन माइनस काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू वन माइनस काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। और कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया इसमें, देखते हैं, देखिए आएगा यहाँ एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर बराबर क्या आया इसको हम देखे, रिजल्ट हमारा जो आने वाला है काई ई, काई ई की वैल्यू निकालनी, ओके काई ई निकालना, तो काई ई बराबर इसको इधर करें तो इस एक्सप्रेशन को हमें सोल्व करना है। देखिए इसको एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू यहां लिखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट माइनस काई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से लिखे बस, तो एप्सिलॉन नॉट आर और ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट माइनस काई ई, या काई ई की वैल्यू निकालनी है तो काई ई को इधर लेके आओ, काई ई इक्वल्स टू ये जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट आर और एप्सिलॉन नॉट, या काई ई बराबर क्या, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल दिया और वन माइनस क्या आ गया, वन माइनस एप्सिलॉन आर, वन माइनस एप्सिलॉन आर, ये हमारे पास रिजल्ट आया है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इक्वेशन नंबर सेवन, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है इक्वेशन नंबर सेवन। तो काई ई विद्युत परवर्ती, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन आर माध्यम का पराविद्युतांक, तो ये था विद्युत परवर्ती था पराविद्युतांक में संबंध क्या आया, काई ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में वन माइनस एप्सिलॉन आर, ये इस प्रकार का हमारा एक्सप्रेशन रिजल्ट आया है। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर ये नोट कर लेना अच्छी तरह से, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है, और फाइनल रिजल्ट देखे क्या आया है, काई ई, काई ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एप्सिलॉन आर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेवन, ये आपका फाइनल इक्वेशन नंबर सेवन आ रहा है। और इक्वेशन सेवन हमें क्या बता रहा है, समीकरण सात विद्युत परवर्ती काई ई तथा विद्युत परवर्ती काई ई तथा परा विद्युतांक एप्सिलॉन आर में संबंध दर्शाता है, उसमें क्या रहेगा, हमें संबंध दर्शाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन था कि विद्युत परवर्ती और परावर्तक में क्या संबंध है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी परावर्तक पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखते हैं तो उसके कारण उसके अंदर उसका पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होने से उसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और जो पहले से विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत होगी तो विद्युत क्षेत्र रिड्यूस हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो गया। अब देखिए विद्युत क्षेत्र घट हो जाने से यानी कि E E आपका डिक्रीज हो गया, E आपका डिक्रीज हो गया और V बराबर क्या होगा, E into D, V बराबर क्या होगा, E into D हो गया, E into D, E डिक्रीज हो गया तो V भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, V भी डिक्रीज हो गया। अब धारिता देखिए C बराबर Q अपॉन V, ध्यान दीजिए E डिक्रीज हुआ इससे V डिक्रीज हुआ और V डिक्रीज होने से क्या होगा, धारिता बढ़ गई, धारिता क्या होगी, बढ़ गई। तो कहने का मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पैरा विद्युत पदार्थ रखने से विद्युत प्रभावी विद्युत क्षेत्र कम होगा जिससे प्लेटों के मध्य विभवांतर कम हो जाएगा और विभवांतर कम होने से संधारित्र की धारिता
बर्थडे जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से निकला है, इसको हम करते हैं। तो नोट लगाकर इसमें लिख लेना, इसमें नोट लगाकर क्या लिखा, नोट स्पष्ट है कि समांतर कोई भी हो चीज, समांतर फ्लैट है संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ रखने पर, पराविद्युत पदार्थ रखने पर प्लेटों के मध्य प्रभावी विद्युत क्षेत्र, प्रभावी विद्युत क्षेत्र घट जाता है या कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर कम हो जाता है, प्लेटों के मध्य विभवांतर कम हो जाता है। और प्लेटों के मध्य विभवांतर कम होने से क्या होगा, प्लेटों के मध्य विभवांतर कम हो जाता है, लेकिन परिणाम स्वरूप संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V डिक्रीज, क्यों से बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट हुआ, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ रखने से प्रभावी विद्युत क्षेत्र कम होगा, और प्रभावी विद्युत क्षेत्र कम होने से विभवांतर कम होगा, विभवांतर कम होने से धारिता हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस फॉर्मूले के अनुसार धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद्युत परिवर्ती तथा पराविद्युत पदार्थ में क्या संबंध है, काई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में ई माइनस एप्सिलॉन आर, और काई क्या है, विद्युत परिवर्ती, इसके बारे में हमने बताया कि कोई पराविद्युत पदार्थ है, कोई पराविद्युत पदार्थ उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके प्रति वो कितना सेंसिटिव है, कितना कितना फास्ट रिएक्ट करता है, कितना फास्ट रिस्पांस देता है, वो उसकी क्या होगी, विद्युत परवर्ती होगी। यानी एक संख्यात्मक मान है, विमाहीन और मात्रकहीन है, इसका मान जितना अधिक होगा इसका अर्थ यह हुआ कि वह पराविद्युत पदार्थ उतना ही जल्दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिस्पॉन्स करने वाला है। तो आज का हमने लेक्चर यही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड अपने अच्छे से नोट्स बनाइए, एंड इस समय की स्थिति देखते हुए अपनी फिजिक्स की पढ़ाई को निशुल्क कीजिए, और अपने अधिक से अधिक सहपाठियों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि हम सभी तक पहुंच सके, यही हमारा मकसद है और यही हमारा मेन कर्तव्य। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।